एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और एकदम फिट होंगे। तो आजकल तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप लोग भी बिजी होंगे। जैसे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तकरीबन 10 दिन रह गए हैं रमज़ानों में। और अच्छा, मैं ये रमज़ानों बोलती हूँ, रमज़ानों मतलब बहुत सारे दिन होते हैं, इस वजह से हम लोग बोलते थे। तो रमज़ान स्टार्ट ही होने वाले हैं बस, और उसकी बस तैयारियाँ चल रही हैं, इस वजह से हम थोड़े से बिजी थे। और इतने थोड़े नहीं, ज़्यादा बिजी हैं भाई। और इस बिजी शेड्यूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो हमें करना था, वो थी हमारी ग्रॉसरी। और वो एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क लग रहा था हाँ, क्योंकि घर से बाहर निकलना था। बाहर निकलना बहुत था ये था। हाँ, तो खैर हम लोग बाहर निकले आज, और हमें ऐसा था कि हमें इम्तियाज ही जाना था, क्योंकि वहाँ का हमें पता है कि वहाँ से हम जल्दी से ग्रॉसरी कर सकते हैं। एवरी मंथ जाते हैं तो आइडिया होता है ना, लेकिन हमें ये भी था कि गुलशन वाला बंद है, बैंड हुआ है, पता नहीं क्या मसला चल रहा था। खैर पता नहीं मुझे बंद है कि नहीं, खुला है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, आज हम गुलशन नहीं गए थे, आज हम नाज़माबाद वाले गए थे ना, इम्तियाज़ गए, वहाँ गए, वहाँ जाके पता चला वहाँ तो इतनी लंबी सी लाइन लगी हुई है। हाँ, और फिर खैर लाइन लगा के ही अंदर जाना पड़ा। और उन लोगों ने हमें टाइम दिया था 25 मिनट्स का। अच्छा, वो जो भी हाँ, जो भी अंदर जा रहा था ना, सबको टाइम दे रहे थे कि किस टाइमिंग पे आप अंदर जा रहे हैं, दे रहे थे किस टाइमिंग पे आप अंदर जा रहे हैं। और उन्होंने टारगेट दिया था कि 25 मिनट्स के अंदर अंदर आपने अपनी ग्रॉसरी करनी है, वरना आपकी ना बिलिंग नहीं होगी। तो बस हमने भाग भाग के जल्दी से ग्रॉसरी करी। बहुत भागे आज बहुत ज्यादा भागे हैं, और लग भी रहे होंगे हम थके हुए ना, बहुत ज्यादा थक गए भी और बहुत भागे हैं। तो आज आपसे शेयर करते हैं रमजान ग्रोसरी। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे दालों के सेक्शन में ना 1 kg के दालों के पैकेट रखे हुए हैं, और 1/2 kg के थे ही नहीं, तो मैंने वहाँ से दालें खरीदी नहीं, और मैदा वगैरह मुझे नहीं मिला वहाँ से। फिर उसके बाद आने के बाद में गई चेजब, जो कि नॉर्थ में है और मतलब यूपी से आगे हैगा, तो मैं वहाँ पे गई हूँ, जबकि हमारे घर से काफ़ी दूर है, फिर भी मुझे वहाँ जाना पड़ा क्योंकि सामान कंप्लीट करना था। हमारे ये आज का दिन है, हम सिर्फ ग्रॉसरी कर लेते हैं, अपना सारा सामान कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि पूरे रमज़ान अच्छे से गुजर जाएं, और बाहर जाके कुछ और नहीं हमें ख़रीदना पड़े, कुछ परचेज़ ना करना पड़े। तो फिर बाद में मैं वहाँ गई, वहाँ से जाके मैंने बाकी का जो सामान मेरा रह गया था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी बहुत अपनी ग्रॉसरी, सारी तो नहीं दिखा सकती, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं जो भी मैं लेकर आई हूँ। बाय द वे, हम क्या कहते हैं, मास्क और अपने ग्लव्स वगैरह दिमाग में नाम ही नहीं आ रहा था, ग्लव्स वगैरह सब पहन के गए थे। और फिर घर जैसे ही आए, मैंने तो मास्क वगैरह सब कुछ, क्योंकि मैं कपड़े वाला मास्क पहनती हूँ, मैं वो वाला नहीं पहन सकती, मुझे सूट नहीं करता। और क्या कहते हैं, वो फौरन मैंने एक टप में डाल के उसे भिगो दिया फौरन। मैं तो अबाया भी जो पहन के गई थी, दोबारा बाहर निकली, फिर जब जाना था तो अपिया अब्बू के साथ गई थी, तो फिर इन्होंने अबाया चेंज किया, दुपट्टा चेंज किया, सारी चीज़ें चेंज करी। और हाँ, प्लीज़ ज़्यादा लोग मत जाइएगा बाहर, क्योंकि बाहर हम लोग निकल रहे हैं ना, जैसे हम लोग इम्तियाज गए थे तो उन लोगों ने सिर्फ 2 ही लोगों को अलाउ किया हुआ था। हाँ। और मतलब ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के साथ बाहर ना जाएं। और मैं अभी चेज गई थी तो मैं अपनी अम्मी को साथ ले गई थी, अम्मी को 2 महीने हो गए घर से बाहर नहीं निकली हैं वो, तो मैंने कहा अच्छा आप चले, जोया आपको हम घर पे छोड़ देते हैं। तो फिर उन्होंने सिर्फ एक ही बंदा अलाउ किया, तो मुझे ही अंदर जाना पड़ा, अम्मी जाके बेचारी अब्बू के साथ ही बैठ गई। तो खैर अब शेयर करते हैं। नहीं, मैंने कहा इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी अपने घर से निकल रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा लोग ना जाएं, और सिर्फ 2 लोग ही जाएं, 2 से ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि रश लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आइए, मैं आपको ग्रॉसरी दिखाती हूँ। तो सामान दिखाने से पहले आप लोगों को मैं एक ज़रूरी टिप देना चाहूँगी, वो ये टिप है कि जैसे ही हम लोग ये सामान अपना लेकर आए ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये जग है, हम लोगों ने ये ख़रीदा था, ये जग बहुत अच्छा मिला। हाँ, ये जग बहुत अच्छा मिल गया हमें, हमने सारा सामान अपने एक ड्राइंग रूम के अंदर बिछा दिया। किसी भी रूम में आप लोग सारा सामान शॉपर्स में से निकालें, सही है, और उसको आपने बिछा देना। बिछाने के बाद क्या करना है, कोई भी बॉटल स्प्रे ले लें, इसके अंदर डेटॉल ऐड कर दीजिएगा, और उसको स्प्रे से आपने पूरा गीला कर दें, सामान के ऊपर स्प्रे कर दें, और पंखा चला के छोड़ दीजिए। अच्छा, ये इसलिए हमने किया था कि हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, पता नहीं कितने लोगों के हाथ लगते हैं, और
क्योंकि वैसे ही आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से वायरस हाथों से ही आगे फैल रहा है, इस वजह से एहतियाती के तौर पे हम लोगों ने किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूँ, ये अच्छी बात है। पंखा चला दिया था और ये सारा सामान रख के और पंखा चला दिया था, शॉपर्स पे भी कर दिया था सारा, शॉपर्स में से बाहर निकालने के बाद भी हमने इस पर स्प्रे करा और पंखा चला के छोड़ दिया, तो जितना भी सामान था सारा वो ड्राई हो गया। और फिर हम लोगों ने, अब हम इसको आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको सेट कर देंगे अपने किचन के अंदर, ठीक है। तो एक छोटी सी टिप थी, इसको ज़रूर आप लोग करिएगा और एहतियात करें बाहर जाते हुए। अच्छा, ये जग था कि हमने दो जग लिए हैं इस तरह के, और ये 150 रुपीज़ के अंदर इसके रेट थे कुछ, और ये काफ़ी अच्छा जग था क्योंकि रमज़ान में हमें अलग अलग किस्म के वो बनाने होते हैं, क्या कहते हैं उसको, मशरूब जूसेस बनाने होते हैं, तो ये इस पे लिखा हुआ है 1.5 लीटर का जग है छोटा सा, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया, क्यूट सा है। हाँ, तो ये हमारे जग हो गए। जग के बाद हम लोगों ने लिया था दो एक की उसकी ट्रे ली थी, इसकी भी बड़ी ज़रूरत होती है, ये ले ली थी हमने, और एक ये हमें पंप की ज़रूरत थी, हमारा पंप ख़राब हो गया था इसलिए ले लिया ये। इसके अलावा हमने लिया है स्कॉश, मिचेल्स का स्कॉश लेता है, रू अफ़ज़ा लिया है, नॉरस नहीं पिया जाता, बचपन से यही पिया है। इसके अलावा ये पाकोला लिया है, ये हम लोग दूध में डाल के लेते हैं या कभी कभी पानी में भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर दूध में डाल के ही लेते हैं, और किस तरह लेते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी दिन में। इसके बाद हमारा ये केचप है, सॉरी मेयोनीज है, ये केचप है, केचप मेयोनीज, केचप तो हम हमेशा मिचेल्स का लेते हैं ज़्यादातर, और या तो फिर हम ना नेशनल ट्राई कर लेते हैं समटाइम्स, एक ही बार लिया है, पिछली बार लिया था हमने नेशनल का, हाँ वो भी, और ये भी चिकन स्प्रेड है, चिकन स्प्रेड ये ले लिया था हमने। अच्छा, इसकी प्राइस नहीं मैं मेंशन कर रही हूँ, जिसके मुझे याद हैं उसके मैं आपको बता दूंगी। इस बार पता है इम्तियाज़ पे प्राइजेस भी मेंशन नहीं थे, ज़्यादातर नहीं थे, जैसे दालों वगैरह पे मुझे नहीं दिखे थे प्राइजेस वगैरह। अच्छा, उसके अलावा ये केमिकल हैगा, हम लोग ये यूज़ करते हैं ब्लीच, ठीक है। और सब मुझसे पूछते हैं हम सॉल्ट कौन सा यूज़ करते हैं, तो हम लोग ये वाला सॉल्ट यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा दानेदार होता है। इसके अलावा पिंक सॉल्ट जो आता है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता है, ये दानेदार होता है, ये दानेदार होता है, इसका ज़रा आप मतलब हाथ रोक के भी अगर आप डालें ना तो बिल्कुल सही रहता है। पाउडर फॉर्म में मुझे क्वान्टिटी समझ नहीं आती, कम ज़्यादा हो ही जाता है, तो हम लोग ये वाला सॉल्ट यूज़ करते हैं पिंक सॉल्ट, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आता है मेरे पास ये कि आप कौन सा सॉल्ट यूज़ करती हैं। इसके अलावा राइस का भी क्वेश्चन आता है, तो पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, दोबारा दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि नए लोग ऐड होते रहते हैं हमारे पास तो उनको नहीं पता होता। तो बिरयानी के लिए मैं ये वाले चावल यूज़ करती हूँ, सही है, ये आपको इम्तियाज से मिल जाते हैं, सेरा बासपति चावल, नॉट बनास्पति। और बेसन है इसके अलावा, ये ले लिया था, पूनम का बेसन ही यूज़ करते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये एक टिशू रोल है, इसके अलावा किचन के, और ये हम लोग टॉयलेट में तो यूज़ करते नहीं है, तो ये टॉयलेट रोल लेकिन ये हम यूज़ करते हैं, हम कॉमन में रखते हैं, मतलब दस्तरखान साफ़ करने के लिए या कोई चीज़ गिर जाए या हाथ साफ़ करने के लिए, ऑयली फूड खा रहे हो तो ये पास ही रखा होता है टेबल पे, तो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, आप लोग हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ये काफ़ी हमारे लिए मतलब ईजी रहता है यूज़ करना, इसलिए ले लेते हैं, तो ये ले लिए थे हमने। इसके अलावा रोज़ मोर का लिया है मैंने, कोकोनट मिल्क पाउडर है ये, तो मैं ये वाला मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ, और इसके लिए इसका हम ड्रिंक वगैरह में यूज़ करते हैं, तो या फिर ये करी खावसे के अंदर भी मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, तो ये मैं ले लेती हूँ कभी कभी। इसके अलावा टैंक है, हाँ टैंक लिया था, इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है लेना, और क्या है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कुछ नया सी होती जा रही है, और ये हमने लिया है 50 ग्राम का पैकेट लिया है, इलायची है ये, हरी इलायची, सबको दिख रहा है जो यार। और ये 50 ग्राम का पैकेट लिया है, और इसकी एक्सपायरी अक्टूबर की हैगी, सही है, एक्सपायरी क्यों पढ़ रही हूँ, एक्सपायरी दिख गई तो मैं पढ़ रही हूँ ना, हाँ इसके प्राइस बताने थे आपको, ये मिला है 50 ग्राम का पैकेट मिला है 400 रुपीज़ का, 435 समथिंग था, 435 का, अच्छा
तो इतने का मिला है। अच्छा अम्मी साथ होती तो कहती नहीं लो, और हम लोग थे तो हमने ले लिया। अम्मी साथ नहीं गई थी, हम दोनों ही गए थे, खाली अपिया और मैं गए थे। हम दोनों गए थे अब्बू के साथ और हम ही सारी ग्रॉसरी करके आए हैं। तो ये काफ़ी महंगी हो गई हैं और काफ़ी टाइम से शॉर्ट भी थी, मिल नहीं रही थी। एक महीने बाद मतलब मिली हैं, नायाब हो गई। हाँ मतलब बीच में मुझे मीठों में भी ज़रूरत थी, तो एरिया के पास जो मार्ट है उधर से लेकर आई थी, वो भी इतनी थी, 1 टेबल स्पून के बराबर मुझे मिली थी और 100 रुपीस की। इसके अलावा हमारा विनेगर, हाँ विनेगर ख़त्म हो रहा था, ये ले लिया मैंने। और अभी भी हमने बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करी औरों की तरह। मैं देख रही थी एक अंकल, जब हम लाइन में लगे हुए थे तो मैं देख रही थी एक अंकल जो हैं वो, उन्होंने वो 4 ट्रॉलीज लेकर आए थे बाहर। पता नहीं वो अपने लिए था उनका सामान या अपने मोहल्ले के लिए था, लेकिन 4 ट्रॉलीज मैंने कहा थोवा है। ग्रीन चिली सॉस, ये ग्रीन चिली सॉस लिया है, मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा हैंड वॉश, ये हैंड वॉश ले लिया है। और क्या है जोया, अच्छा थोड़ा सामान जोया के पास से थोड़ा पहले मेरे इधर रख लिया था मैंने। ये चने ले लिए, चिक पीस, चना चाट वगैरह, आपको पता है बड़ी मशहूर है चना चाट, आजकल सभी लोग बना रहे हैं, रमजान में भी बनाएंगे। इसके अलावा हमारी मैक सोप, बर्तन गंदे होंगे तो हम धोएंगे भी तो। हाँ ये भी हम ये 2 बार ले लेते हैं, हमारे आराम से ज़्यादा चल जाता है। इसके अलावा मिचल्स का हमने फ्रूट जैम लिया, मिक्स फ्रूट जैम लिया। हम मिचल्स के ही ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अच्छा बाय द वे ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कभी आप लोग समझे, हम जो यूज़ करते हैं वो दिखा रहे हैं। एक स्पैगेटी का पैक ले लिया है, वैसे ही ले लिया स्पैगेटी, एग नूडल्स हैं ये। और क्या, और जी हमारे शैम्पूज आए हैं, शैम्पू है गार्निया, मुझे मिल नहीं रहा, मैं मुझे गार्निया लेना था, गार्निया लेना था, ये ले लिया, सनसिल्क ले लिया, और इसका कंडीशनर। ये आगे जी हमारा विम, फिर उसके बाद एक पैन लिया, पैन मुझे चाहिए था, ये मैंने ले लिया, नॉनस्टिक पैन है ये, कुछ 550 रुपीस का था, ज़्यादा महंगा था नहीं, और मुझे छोटे साइज़ का चाहिए था तो इसलिए मैंने ये ले लिया। इसके अलावा हमने लिए हैं ज़्यादा नहीं, बस 2 पापड़ लिए। हाँ 2 लिए हैं पापड़, क्योंकि पापड़ कोई इतने शौक से खाता नहीं है हमारे घर में, बहुत कम बनते हैं, मतलब शायद पूरे रमज़ान में 2 मरतबा ही फ्राई होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और ये रखे ही रहेंगे पैकेट्स। उसके अलावा तुख मलंगा लिया है, वो ज़रूरी है। हाँ ये बहुत ज़रूरी है, पूरे रमज़ान इस्तेमाल किया करें और काफ़ी एनर्जी रहती है पीने से आपकी बॉडी के अंदर। इमली का पैकेट लिया है, आलू बुखारा और आलमंड्स लिए हैं, ख़त्म हो गए थे। अच्छा ये वाले राइस लिए हैं, ये राइस हम लोग यही वाले राइस लेते हैं, लाइस बोल रही थी मैं, यही वाले राइस लेते हैं, ये ब्लू हैंडल वाला राइस है और रेगुलर बेसिस पे हम लोग यही यूज़ करते हैं, नॉर्मल घर में जो भी दाल चावल वगैरह जो भी कुछ बनते हैं इसमें। और बिरयानी के लिए मैं दूसरा वाला आपको दिखा चुकी हूँ, वो यूज़ करती हूँ। अच्छा ये वाले राइस से हम लोग, मैं बिरयानी भी बना देती हूँ, बन जाती है, पुलाव भी बन जाता है, बहुत अच्छा राइस है ये भी। के अलावा ये छोटू सी हमारी बॉटल ली है हमने, हाँ, बड़ी बड़ी भी सॉस के लिए मेरे पास इजीली हम यूज़ कर सकें। हाँ उसके अलावा मैंने लिया है फेस वॉश लिया है अपने लिए, टी ट्री ऑयल उसका है, टी ट्री का है ये फेस वॉश, और फेस वॉश नहीं है फेस स्क्रब ले लिया दो यार हमने, ना करूँ OMG ये तो बड़ा ही था। दो दो स्क्रब आ गए यार अभी बड़ा मैंने, ये भी लिया है क्या यार मुझे, अब खाली स्क्रबिंग करेंगे, फेस वॉश के लिए दोबारा जाना पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा। ये तो 2 आ गए और मुझे जाना पड़ेगा अपने लिए, मेरा क्या कहते हैं फेस वॉश ख़त्म हुआ पता, और ये ब्लैकहेड क्लीनिंग के लिए है और ये मैंने हिमानी का, मुझे अच्छा लगा था, मुझे ये चाहिए था, अफसोस हो रहा है मुझे, ये लिया कोई। अच्छा मैं इसी ब्रांड का यूज़ करती हूँ फेस वॉश, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है और कुछ ज़्यादा ही ऑयल आता है मेरे फेस पे, इतना कि आप कुछ भी फ्राई कर सकते हैं, अंडा बनाऊंगी तुम्हारे तो इतना ज़्यादा ऑयल आता है मेरे फेस पे। खैर अफसोस हो गया मुझे ये देख के। इसके अलावा अपना ऑयल कार्टन दिया है, एक
दो कार्टन लिए हैं दो हबीब ऑयल के, क्योंकि पूरे महीने फ्राइंग होती है इसलिए। और ये अम्मी का फेस वॉश है एलो एक्सट्रैक्ट के साथ। बेकिंग पाउडर लिया है। अच्छा बेकिंग पाउडर मैं आजकल तो यही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो यूज़ करती हूँ डव का वो मिल नहीं रहा मुझे। आप लोगों ने देखा होगा या यूज़ भी किया होगा, बहुत पुराना है वो, लेकिन वो शायद बाहर का ब्रांड है तो वो मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं उसके बड़े पैकेट्स आते हैं तो मैं तकरीबन मुझे पूरा साल निकल जाता है मेरा ना, मैं शायद दो मरतबा ख़रीदती होंगी पूरे साल में, ज़्यादा नहीं ख़रीदना होता मेरा। लेकिन ये कि आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ तो ये मैंने ले लिया एक्स्ट्रा अपने लिए। और इसके अलावा हमने चीनी ली है, चीनी ली है 5 किलो, 5 किलो बस। और पत्ती, हाँ तो चाय की पत्ती वैसे तो हम ये वाली यूज़ करते हैं फैमिली मिक्सर। और इस बार मैंने ये ली है ब्रुक बॉन्ड की, और ये इसलिए ली है मैं आपको बताऊं क्योंकि एक ना मैं यूट्यूबर को देख रही थी, मुझे उनका नाम नहीं याद ना ही चैनल का नाम याद है, तो वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही थी कि वो ये दो पत्तियाँ मिक्स करके, ये वाली या फिर कोई दूसरी वाली पत्ती मिक्स करके पीती हैं तो उनकी चाय और ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पीना पसंद है, वैसे दिन में 2 या 3 मरतबा ही पीती हूँ चाय, 3 मरतबा तो बहुत कम होता है, 2 मरतबा चाय पीती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी ज़रा नस्ली वाली चाय चाहिए होती है, ज़रा अच्छी बनी हुई, तो इसलिए मैंने ले लिया। अम्मी से पूछ के गई थी कि मैं इस तरह से ले लूँगी, तो अम्मी ने कहा हाँ ले लो, तो फिर मैंने ये ले लिया। तो मैं इसको मिक्स करके और फिर इसकी चाय हम बना के पियेंगे। और मैं चेज़ गई थी तो चेज़ से मैं मैदा लेकर आई हूँ। इम्तियाज़ पे शायद मुझे जल्दी मैंने दिखा क्या था, लेकिन मुझे वहाँ से मिला नहीं, तो मैं चेज़ पे से ही मैदा लेकर आई हूँ, सही है। और इसके अलावा कॉर्नफ्लोर मुझे मिला, अब गलती इम्तियाज़ पे क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लोर का कोई पैकेट नहीं था, ना ही इस तरह का कोई पाउच था, मतलब इस तरह की थैली में कुछ नहीं था, तो मैंने नहीं लिया। फिर मैंने ये चेज़ पे से खैर मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया। और उधर भी दालें नहीं थी चेज़ पे, चेज़ पे सिर्फ 2 दालें रखी थी, चने की दाल और मूंग की दाल, तो जो हमें दालें लेनी थी वो हमें मिली नहीं। तो ये मैदे के 2-3 पैकेट ले लिए मैंने, ये मुझे बॉल्स लेनी थी ये ले लिया है कॉटन बॉल्स। इसके अलावा सबने पूछी जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ली है मैंने, वो मैंने ये लिए बूंदियाँ, तो ये रमज़ान आ रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल हो जाएगी। और ये आई थिंक 1 kg है, हाँ ये 1/2 kg है, और ये 200 ग्राम, हाँ ये 200 ग्राम है, वो 1/2 kg है, 400 ग्राम। अच्छा ये 2 मैंने पैकेट इसके ले लिए, इसका टेस्ट अच्छा था, मतलब नॉर्मली हर जगह का नहीं होता अच्छा, मैंने और भी बहुत बड़ी वाली बेकरी फिर से भी लेके देखी हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा था बूंदी का टेस्ट और जगहों का। और ये बड़ी अच्छी है, हम नॉर्मल टैप वाटर में डाल के रख देते हैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, बिल्कुल सही हो जाती है, परफेक्टली तैयार होती है, तो इसका फ्लेवर अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने ये ले ली। इसके अलावा एक मैंने ली है ये पापड़ी, और एक इसलिए ली है कि इसको पहले टेस्ट करेंगे उसके बाद फिर और लेंगे जाके। और एक और चीज़, अच्छा एक मैंने ये लिया है, और ये आपको दिखा रही हूँ, दिखा इसलिए रही हूँ तो आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए। हम लोगों के घर में, इस घर में जब से हम शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, एक प्रॉब्लम ये हमें फेस करनी पड़ी है, हमारे किचन में बहुत छोटे वाले कॉकरोचेस नहीं होते इतने इतने से ना, वो हो रहे हैं, और वो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं जब लाइट ऑफ होती है, और रात में भी लाइट ऑफ होने के भी 2-3 घंटे के बाद वो बाहर निकले हुए होते हैं, तो हमें उससे बड़ी परेशानी हो रही है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कॉकरोचेस से, तो मतलब बहुत ज़्यादा घिन आती है, होती गंदी चीज़ें। इसका तो यूज़ करेंगे लेकिन इसका यूज़ करेंगे इसके अलावा, अगर आपके पास कोई टिप हो, कोई ऐसी चीज़ हो तो बताइएगा, क्योंकि हम 2 से 3 बार अपना पूरा किचन साफ़ कर चुके हैं और ये सारा पाउडर वगैरह डाल दिया, फेनाइल की गोलियाँ डाल दी, स्प्रे करके देख लिया, और पाउडर डाल दो क्या कहते हैं काउंटर वगैरह पर डाल दो, सब जगह दीवारों पर डाल दो, तो जहाँ पे ये होता है वो आते ही नहीं कॉकरोचेस, वहाँ पे वो कहीं और ही चल रहे होते हैं बेचारे, टहल रहे होते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अगर आप लोगों को कोई टिप पता हो या कोई भी चीज़ पता हो तो बताइए, क्योंकि हम पहली बार ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कभी हुई नहीं हमें ये प्रॉब्लम। तो ये मैंने लिया है कि नया मैं क्या कहते हैं इस पर, क्योंकि कॉकरोच बना हुआ था, सिर्फ इसलिए लिया है मैंने कि इसको मार देगा। तो बस ये था हमारा सामान। सो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी रमज़ान ग्रॉसरी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो और थोड़ी सी आप लोगों को इससे हेल्प भी मिली हो। तो बाहर जाएं ग्रॉसरी करने ज़रूर जाएं, लेकिन एहतियात करें और बहुत एहतियात करें, बहुत सारे लोगों के साथ मत जाइएगा, फ़ायदा कुछ नहीं है, खुआरी हो जाएगी आप लोगों की। तो एक एक या दो दो लोग ही जाइएगा, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है।
और कोशिश करें एक ही बार में सारा सामान आ जाए कि आपको बार बार बाहर ना निकलना पड़े, नहीं निकलना पड़े। देखिए जाहिर है रमजान की वजह से निकलना तो पड़ेगा निकलना क्योंकि पड़ेगा। एक महीने पहले जो स्टोरेज की थी वो तो खत्म हो गई, तो खत्म हो गई क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं जो एक महीने की करते हैं ना, मतलब बहुत सारा भर के नहीं लेकर आए थे, तो उस हिसाब से तो हमारी तो ग्रॉसरी कम हो गई थी। दालें हमें अभी भी नहीं मिली और वो हमें शायद कोई करीबी मार्ट से हमें लेनी पड़े, वो तो खैर कोई भी जाके दो या तीन ही लेनी थी, हमको ज्यादा लेनी भी नहीं थी। और एक और चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि इस बार हम लोगों क्योंकि घर में हैं सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ राशन जो है मतलब एक महीने चलना था वो ना कुछ जल्दी खत्म हो जल्दी क्योंकि सब खा रहे ना, वो नहीं बोर हो रहे ना, नहीं बोर हो रहे हैं तो कोई काम नहीं है तो यार कुछ बनाई लो, कुछ खा ही लेते हैं। भाई का ही होता है कुछ, मेरे भाई का ज्यादातर यही होता है, दोनों भाई का यही होता है और वो बस बोलते हैं यार बोर हो रहे हैं कुछ बना ही लो, ऐसे करके पड़ा तो वो बनाता है, जल्दी से बना के देना पड़ता है। खैर ये था आज का हमारा ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करें और हम दोनों को हमारी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।